हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शिवानी और एक आज नया ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर रही हूँ. और ये ब्लॉग मैं रात से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने रात को ये मोटल बुक की है जो कि लोकेटेड है इन सांता बारबरा. सो यू कैन सी इट्स यू नो एंटिक टाइप ऑफ मोटल एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया जो हमारे रूम के बाहर ही ऐसे यू नो पूरे शोकेस में पुराने यू नो एंटिक टाइप के कटलर्स रखे हुए हैं. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल गाइस इन रियल रियली एंड रूम्स आर ऑल्सो रियली गुड. लेट मी शो यू. हम जैसे ही रूम को एंटर करते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर दिया हुआ है उससे हम यू नो ऑलमोस्ट पूरी रूम देख सकते हैं. ये डोर है, डोर के पीछे भी एक मिरर दिया गया है तो बहुत सारे मिरर्स है. यानी हम लोगों ने बुक किया है डबल बेड और वहाँ पे शिवांश अभी सो रहा है, थक चुका है. तो यहाँ पे एक यू नो बड़ा वाला सोफा है, आप उस पर लेट सकते हो, रेस्ट कर सकते हो. वहाँ पे हीटर है एंड यहाँ पे बड्डा वाला कबर्ड दिया हुआ है, उसमें एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और यू नो ड्रायर और अगर आपको गर्मी लग रही है तो यू नो एक्स्ट्रा फैन भी दिया हुआ है. दैट इज सो स्वीट ऑफ देम. यहाँ पे भी यू नो एंटीक जमाने का फर्नीचर है, फ्लैट टीवी है एंड यहाँ पे सोफा है. यहाँ पे अगेन मिरर आ चुका है एंड यहाँ पे अभी छुपा हुआ है. यहाँ से बालकनी व्यू है तो मतलब ये अगर आप पूरा बैठ के यहाँ से देखना है तो यहाँ पे सांता बारबरा ओशन साइड व्यू है तो मॉर्निंग में हमें वो भी देखने को मिलेगा. यहाँ से पूरा ओशन दिखाई देता है. तो ये यहाँ पे मिनी फ्रिज है, ये है बाथरूम एंड यू नो ये जो फ्लोर है वो भी यू नो एक यूनिक तरह की डिजाइन बनाई गई है एंड ये मुझे सबसे अच्छा लगा. ये पूरा यू नो यूनिक टाइप का है. ये हम जैसे गांव में जाते हैं विलेज में और उसमें से पानी निकल रहा है वैसा लग रहा है. सो यार दैट लुक्स सो अमेजिंग. एंड ये भी जो मिरर की फ्रेम है वो भी पूरी एंटिक टाइप की दी हुई है. सेम थिंग विद द लाइट्स एंड ये है पाटर विद शावर और ओ वाव ये पूरा टाइल्स से बनाया हुआ है तो दैट लुक्स सो अमेजिंग गाइस. आई रियली लाइक द रूम एंड द वाइब यू गेट आउट ऑफ दिस रूम, इट्स सो अमेजिंग. बीच के सामने ये इसके जो ब्लैंकेट्स है वो भी बीच स्टाइल है. होटल का इतना अच्छा पूल भी है और होल नाइट आप यूज कर सकते हो पूल. और यहाँ पे जकूजी भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी पूरा एंटिक डेकोरेशन किया गया है तो पूरी होटल को ऐसे एंटिक रूप दिया गया है आप देख सकते हो. सो अगर आपको एंटिक चीज़ें अच्छी लगती है स्पेशली ऐसे रहने के लिए या फिर ऐसे एंजॉय करने के लिए तो यहाँ पे वैसे स्वरूप दिया है उन लोगों ने. यहाँ पे जो मेन हॉल है वो भी पूरा एंटीक है. I'll see you guys in the morning. अभी जस्ट थक चुके हैं तो let's go and sleep. और ये हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट रूम में जो कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं मॉर्निंग में ये लोग. तो वो भी पूरा एंटिक स्टाइल बनाया है तो बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ से भी. तो ये हमारा पूरा एक्सपीरियंस था इस होटल को लेके और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. एंड हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख देंगे, वेन एवर यू कैन कम यू कैन चेक इट आउट. गुड मॉर्निंग. सो आप देख सकते हो यहाँ पे बालकनी है हमारे पास पेटियो और यहाँ से सनराइज ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है तो और बीच भी है तो हम अभी जाएंगे रेडी होके ब्रेकफास्ट करके शांति से. हेलो गाइस, तो हम मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा लेट उठे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे. तो हम लोगों का डे ही स्टार्ट हुआ है अभी ऑलमोस्ट 11 बजे हम लोग बाहर निकले हैं एंड यहाँ पे हमारी मोटल से वॉक करके यहाँ पे पियर है, उसका नाम है वियर्न्स वॉल्फ. तो हम बस वहीं पे आए हैं शिवांश और मैं क्योंकि आज अविश का वर्कडे है तो भी थोड़ा सा काम कर रहा है एंड ही हैज़ मीटिंग्स एंड ऑल. जब वो ख़त्म कर लेगा तो फिर ही विल कम. वहाँ पे पियर है गाइस, वो बहुत ही सुंदर सी जगह है और ये पूरा ओशन है. यहाँ पे डॉक्स है और बहुत सारे डॉक्स हैं. ये बीच है तो लोग यू नो यहाँ पे अभी तो धूप है तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं बीच पे, पर जैसे ही थोड़ा सा यू नो धूप कम होगा देन पीपल विल स्टार्ट टू कम. एंड बोट्स वो भी है अगर आपको बोट राइड करनी है
तो दैट्स ऑल्सो अवेलेबल एट दिस प्लेस. और आपको यहाँ से हमारी मॉटल दिखाई देगी, दैट्स आर मॉटल. सिर्फ ओनली 7 to 8 minutes वॉक करके जगह थी. हम जस्ट घूम ही रहे हैं वहाँ पे. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है माउंटेन का. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. हम उधर से पूरा वॉक करके, ये पूरा क्रॉस करके आए हुए हैं यहाँ पे ओशन के बीचों बीच. ये जगह है, उधर से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है. एंड यहाँ पे लोग कायाकिंग भी कर रहे हैं. तो या उस साइड बोटिंग है, इस साइड कायाकिंग की के लिए प्लेस बनाया गया है. एंड ये पूरा जो व्यू है वो पूरा पीछे की तरफ से माउंटेन है वो आ रहा है, ट्रीज़ है. तो इट लुक्स सो अमेजिंग गाइस. उस तरफ बहुत सारी रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुजाइन है. एंड हम दोनों यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं. इट्स अ क्वालिटी टाइम आज का, यू नो, आज बहुत सारा कुछ करने का नहीं है तो वी आर जस्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम. अभी देखते हैं, थोड़ी देर हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, फिर उसके बाद कहीं और चलते हैं. एंड हम वो वहाँ पे गए हुए थे, दैट इज कॉल वाटर शेड. ये सिर्फ वाटर ही नहीं, उसके नीचे वाइल्ड लाइफ भी है. तो जैसे कि सी लायन, कैबेजॉन, व्हाइट क्रॉकर, कैन सी कि यहाँ पे वो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सी लाइफ में क्या क्या है अंडर वाटर. सो या इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइज. तो गाइज मैं और शिवांश पहुँच चुके हैं द फंक जोन में. तो ये सांता बारबरा का डाउनटाउन है जहाँ पे आप वॉक करके, यू नो, सारी स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स घूम सकते हो. तो हमने बस वहीं किया. यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है तो हम लोगों ने एक ट्रेन भी देखी. तो या शिवांश को मज़ा आ गया ट्रेन देखने में. और बस यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी, यू नो, शॉप्स बनाई है, रेस्टोरेंट्स बनाए हैं. क्यूट छोटू सा डाउनटाउन है सांता बारबरा का. बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया था कि इफ़ यू विजिट सांता बारबरा देन डोंट मिस आउट द डाउनटाउन वॉक. तो हम लोगों ने वही किया. तो अभी अविश भी आ ही रहा है, मैंने उसको लोकेशन सेंड कर दी है. तो ही इज़ ऑन हिज वे, उसकी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है. तो या अभी हम लोग कहीं पर जाएंगे, अभी डिसाइड नहीं किया. वंस ही कम्स सो देन वी डिसाइड एंड देन आई अपडेट यू गाइस. बाय. या हमें दूसरी जगह जाते जाते लंच का टाइम हो चुका था तो हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी. तो हम मैक्सिकन रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुक गए और हम लोगों ने ऑर्डर किया था एंचिलाडास, नाचोस एंड चिप्स एंड टोस्टाडास. सो या वी आर जस्ट इंजॉइंग दैट. हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पिज़्मो बीच. यू कैन सी इट लुक सो ब्यूटीफुल. और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इट्स सो क्राउडेड गाइस. एंड इट्स अ वीक डे, सो आज सिर्फ मंडे ही है, बट still people are here to enjoy the weather and the sun because it bahut time ke baad dhoop nikli hai. So yeah, people are having so much fun. Yahan pe jo famous hai, that is this, bahut bade aksharon mein likha hai Pismo Beach. Aur yahan pe raat ko agar hum ruke, hamara plan hai rukne ka, to yahan pe lighting ke sath aapko dekhne ko milega. To yeah, it's gonna look so good at night. And यहाँ पर पूरी lighting की हुई है. अभी lightings on नहीं है जो trees में है, पर we can see the lights, small lights. So we'll definitely capture it and show it to guys. हम अंदर नहीं जाने वाले हैं पानी में, but we just gonna chill out here. You can see बहुत ही अच्छा view है. And यहाँ पर sunset का मज़ा ही कुछ और होगा क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग सनसेट के लिए बैठे हुए हैं. आई थिंक बच्चों के लिए प्लेग्राउंड जैसा बनाया है. बहुत बड़ी सी शार्क है. एंड शी वाज एंजॉयिंग. हाँ, वहाँ पे स्लाइड्स है. तो ये छोटा सा प्लेग्राउंड बनाया है बच्चों के लिए. एंड शिवांश को तो प्ले करना अच्छा ही लगता है. तो या इज गना प्ले फॉर अ वाइल. यहाँ पे लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, बीच वॉलीबॉल. यहाँ पे गुड थिंग ये है कि वहाँ पे, यू नो, शावर भी दिया गया है. तो
अगर आप बीच में गए हैं एंड मिट्टी विट्टी सब लगती है सैंड, तो यू कैन टेक अ शावर राइट हियर। एंड यहाँ का बाथरूम भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड वहाँ पे बहुत सारी फूड ट्रक भी अवेलेबल है, तो यू कैन ईजिली गो एंड हैव सम फूड इफ़ यू आर हंग्री। एंड यहाँ पे पार्किंग बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल गई हमें, तो उसके भी कोई टेंशन नहीं है। मेन यहाँ पे वैसे ही है कि आपको पार्किंग मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पर वी फाउंड इट वेरी ईजिली एंड या वी आर जस्ट इंजॉइंग। शिवांश को इतनी मज़ा आ गई है यहाँ पे, वो बस यहाँ पे प्ले स्ट्रक्चर देख रहा है और उसको इतनी मज़ा आ गई है। ये इसके लिए माउंटेन्स है। यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं और इतना अच्छा माहौल है। आपको अगर आना है बच्चों के साथ तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, एक्टिविटीज़ है, बड़ी स्लाइड्स भी है और ऐसे वाइट सैंड भी है अगर आपको खेलनी है तो, ये बड़ी स्लाइड्स भी है। अभी आप देखोगे यहाँ पे अगर एडल्ट की तरह आते हो या कपल की तरह आते हो तो यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी है जहाँ पे आप ATV ड्राइविंग कर सकते हो, मतलब ATV राइड्स बुक करके वो राइड कर सकते हो, तो वो भी आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। यहाँ पे वो एक स्पेशलिटी है पिस्मो बीच की कि आपको अगर ATV राइड करनी है तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। वो एक्चुअली 2024 तक ही है, उसके बाद बंद होने वाला है यहाँ पे ATV राइडिंग का। सी लाइफ को बचाने के लिए ये लोग बंद करने वाला है सैंड डून्स। डू विजिट पिस्मो बीच और हमें बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा पिस्मो बीच। अभी शाम के 5:30 ही बजे हैं एंड यू कैन सी कि इतनी ब्यूटीफुल लाइट की हुई है। कैन सी हम अभी और एक घंटा रुकने वाले हैं, तब तक तो अंधेरा हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। एंड यहाँ पे म्यूज़िक भी स्टार्ट हो गया है, ये बंदा म्यूज़िक बजा रहा है, लाइव म्यूज़िक। यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। और ये जो पूरा स्काई है बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज कलर का हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, मन कर रहा है कि यहाँ से जाए ही नहीं। और ये सनसेट अभी होने ही वाला है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे तो ये जो साइन है वही देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लुक सो अमेजिंग। यहाँ पे फोटोग्राफी भी कर रही है। हम जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सा पिस्मो बीच करके बहुत ही सुंदर ग्लास से एंड जो शिप्स होती है उससे ये बनाया गया है, स्टोन से। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आर्ट किया है। एंड सनसेट तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए एक जगह बनाई हुई है, तो एंड शिवांश एंड अविश यहाँ पे बैठे हुए खेल रहे हैं। से हाय शिवांश, आर यू हैप्पी? एज आई मेंशन कि हम अभी भी 1 या फिर 1.5 आवर रुकेंगे और जब तक कि पूरा सनसेट नहीं हो जाए, तो वी गोना एंजॉय द सनसेट ओवर हियर एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। एंड हम लोगों ने यहाँ पे सनसेट भी एंजॉय किया एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल गाइस, एंड वी आर जस्ट कैप्चरिंग फॉर यू गाइस, सो हैव अ लुक एंड एंजॉय। एंड ये हम ड्राइव करके वापस घर जा रहे हैं और यू कैन सी द ब्यूटीफुल वेदर एंड द सनसेट, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। और ये हम अभी 3 या 4 आवर्स की ड्राइविंग अभी बाकी है घर पहुंचने में, तो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।